गुजरात एटीएस ना मार्गदर्शन हेठ जिला ना एसओजी एलसीबी सहित स्थानिक पोलीसे दरियाकांठा में सघन चेकिंग हाथ धर्यु हतु। त्यारे दरियाकांठा विस्तार में नशीला पदार्थों 160 जेटला शंकास्पद पेकेट्स मळी आव्या छे। सर्च ऑपरेशन ना बीजा दिवसे पण बिनवासी हालत में नशीला पदार्थों की वधु एक बेग मळी आवी हती। सूत्रापाड़ा धामडेज बंदर खाते मळी आवेल बेग में वधु 20 पेकेट्स मळी आव्या हता। आम बपोर सुधी में 200 पेकेट्स मळी आव्या छे। सांज सुधी में 250 थवानी संभावना छे। तो उनाना सैयद राजपरा बंदर थी कोड़ीनार सूत्रापाड़ा वेरावल सहित बंदरों में सघन चेकिंग हाथ धरवामां आव्युं छे। ज्यारे समुद्र में पण कोस्टगार्ड द्वारा हेलिकॉप्टर ने मदद थी पेट्रोलिंग हाथ धरायुं छे। सेकेंड अगस्त 2022 को मांगरोल में कुछ एक सस्पिशियस पैकेट मिला था और उसके आधार पर जो है हमने हमारी एक प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके और हमारी ये डिफरेंट टीम्स जो है दरिया कांठे पे टोटल 104 किलोमीटर का हमारा दरिया का विस्तार है, डिफरेंट टीम्स लगा के हमारे विस्तार में हमने हमारी सोमनाथ मरीन पुलिस स्टेशन की टीम, एसओजी की टीम, एलसीबी की टीम और डिफरेंट कोस्टल पुलिस स्टेशन की टीम जो है वो लगाई गई और उसके आधार पर सेकंड की नाइट को पूरी सर्च की थी। उस टाइम हमें कुछ ज़्यादा मिला नहीं बट हाई टाइड के बाद जो है अगले दिन सुबह हमें अभी तक कल इवनिंग तक जो टोटल 160 पैकेट्स सस्पिशियस पैकेट्स मिले हैं बट प्राइमा फेसी ये चरस लग रहा है और उसके आधार पर ये 160 पैकेट्स की मार्केट जो रेट है उसके आधार पर इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 2.5 करोड़ के आसपास का है और अभी हमारी पूरे कोस्टल विस्तार में 103 किलोमीटर का जो दरिया विस्तार है उसमें हमारी टोटल 10 टीम लगी हुई है और ये टीम कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग कर रही है, फुट पेट्रोलिंग कर रही है और अभी आज के दिन में भी कुछ पैकेट्स हमें मिले हैं। वो एग्जैक्ट नंबर अभी उसका कैलकुलेट